राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कर्फ्यू वाली माता का मंदिर पीरगेट भोपाल पर टीबी रोग के संबंध में जन जागृति हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोविड 19 से बचाव के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आयोजित किया गया, जिसमें जिला श्रेय केंद्र और टीबी हॉस्पिटल ईदगाह हिल्स भोपाल के अधिकारी कर्मचारी द्वारा टीबी रोग पर जानकारी दी गई। भोपाल से संवाददाता सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। जिसकी वजह से सभी कुछ बंद हुआ था लगभग, जैसे हम सभी जानते हैं। अब हम उस स्थिति से धीरे धीरे निकल रहे हैं। कोरोना के लिए जागरूकता अलग चल रही है, टीबी के लिए एक अलग से पखवाड़े का आयोजन किया गया। मेरा नाम हुसैन अहमद, नोडल कोऑर्डिनेटर DRTB सेंटर ईदगाह हिल्स भोपाल। ये प्रोग्राम असल में क्या है कि एक पखवाड़ा चल रहा है, नोटिफिकेशन पखवाड़ा 20 सितंबर 2020 से 20 अक्टूबर 2020 तक। उसके अंतर्गत जो केसेस टीबी के अस्पताल नहीं आ पा रहे हैं, उनको लाने के लिए एक जन जागृति के लिए कार्यक्रम किया गया। इसमें हमारे द्वारा जानकारी दी गई, टीबी के लक्षण बताए गए, शासन की क्या नीतियां हैं, शासन क्या क्या शासन स्तर पर क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, हमारे द्वारा वो बताया गया, हम और हमारी टीम के द्वारा। कितने लोगों ने इसके अंदर लगभग 100 से 150 लोग थे लगभग, जो क्योंकि अभी ऑफिस का भी टाइम था और थोड़ा सा आरती का भी समय चल रहा था, तो कुछ लोग थोड़ा सा इधर उधर लगे हुए। लगभग 80-100 लोगों द्वारा इसमें वो किया गया पार्टिसिपेट की। ये नहीं, एक्चुअली क्या है कि जांच के लिए मरीज आए, इसलिए ये वाली चीज़ की गई है। वो हमारे जो वो हैं स्वास्थ्य केंद्र हैं, जांच के लिए उनको वहाँ पहुँचना है, तो उसी संबंध में हमारे द्वारा जानकारी दी गई। अब ये कितनी जांच और क्या हुआ, ये हमें आने वाले 1-2 दिन में पता चलेगा। इसके परिणाम हमें 1-2 दिन में मिलना शुरू होंगे। और ये अभी नहीं, 20 सितंबर 2020 से निरंतर चल रही है वाली प्रक्रिया, और इसमें केसेस बढ़े भी हैं। जो केस कोरोना के कारण जो व्यक्ति जो रोगी अस्पताल नहीं आ रहे थे, वह अब अस्पताल आ रहे होंगे। और अभी हमारे राज्य क्षय अधिकारी वर्षा राय मैडम, हमारे जिला क्षय अधिकारी मनोज वर्मा सर, इनके प्रयत्नों से हमारा जो अभी ये नोटिफिकेशन है जो टीवी का, वो है, वो बढ़ रहेगा।